जनता युवा मोर्चा ने स्वतंत्रता दिवस से पहले नगर में तिरंगा यात्रा निकाली। बता दें कि यह तिरंगा यात्रा चीना बाबा चौराहे से शुरू हुई, जो कि नैनीताल बाजार से होते हुए पंत पार्क पहुंचकर संपन्न हुई। यात्रा के दौरान भाज युमो कार्यकर्ताओं ने हाथ में तिरंगा झंडा लेकर वंदे मातरम और भारत माता के जयकारे लगाए। वहीं तिरंगा यात्रा में सांसद अजय भट्ट ने कहा कि भाजपा युवा मोर्चा द्वारा नैनीताल जिले की विधानसभाओं में हर घर तिरंगा अभियान के तहत यात्रा निकाली जा रही है और इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को देशभक्ति के प्रति जागरूक करना है। उन्होंने कहा, युवाओं को देशभक्ति से जोड़ने के लिए यह अभियान सफल रहा है। अजय भट्ट ने कहा कि बहुत ही संघर्षों के बाद भारत को आजादी मिली है, इसलिए सभी को आजादी का सम्मान करना चाहिए। नैनीताल से तेज सिंह की रिपोर्ट। उत्सव हो गया है। प्रधानमंत्री जी ने जिस बात के लिए एक आग्रह किया था कुछ समय पहले, आज वो आग्रह उत्सव में बदल गया है और लोगों में ऐसा उत्साह है कि जाति, धर्म, वर्ग, क्षेत्र, पंथ और पार्टियों के सारे बंधन टूट के एकाकार होके आज लोग अपने अपने घरों पर तिरंगा फहरा रहे हैं और तिरंगा यात्रा में साथ में आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है, इसमें सारे दलों की सीमाएं भी टूट गई हैं, इसलिए ये जोड़ने का प्रोग्राम, असली यही प्रोग्राम है।